ये पाकिस्तान के लोग हैं, देख रहे हो ये नाच रहा है एक। अभी हमें यहाँ से नीचे जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये ना अपना इंडिया है, फ्लैग है इंडिया का। तो अभी मैं थोड़ा सा चलता हूँ थोड़ा सा। सामने आप देख सकते हो बिल्कुल पाकिस्तान है, ये नीलम है। 1755 किलोमीटर है लाहौर 740। अरे भाई पूरा ऑफ रोड। मुझे नहीं कराना बस। अरे गाइस, सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग द आमिर फारूक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और हमें भी चाहिए। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर भी ना, हम मंडियान में हमने मतलब स्टे किया था, अभी चलते हैं यहाँ से आगे केरन की तरफ, केरन सेक्टर की तरफ। बाकी अपने भाई लोग बहुत सारे इधर आ गए, आप देख सकते हो ना, ये कुछ और राइडर हमारे साथ जुड़ गए। अपने भाई जो थे ना दो बुलेट पे, वो आगे निकल गए एंड अपनी 220 पे आगे निकल गए। बाकी यहाँ और हमारे साथ बहुत सारे भाई लोग जुड़ गए एंड मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है, देख रहे हो। तो अगर चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो द आमिर फारूक को, अगर मेरे फेसबुक पेज पे हो तो फॉलो कर देना गाइस द आमिर फारूक को। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट यहाँ से। इस लोग अभी ना फैसल भाई थोड़ा सा मतलब बाइक चला रहा है, तो मैं ना थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अभी फैसल भाई बाइक चला रहा है ना, इसकी बुलेट ना हमने रखी है ऊपर, तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि कल जो मैंने व्लॉग दिखाया था ना, तो हमारी हालत ना बिल्कुल ख़राब हो गई थी, अभी भी हमारी हालत बिल्कुल ख़राब है। तो अभी नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको पूरा केरन, आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराता है भाई। यहाँ का रोड ना मतलब निकलते ही ऑफ रोड स्टार्ट हो गया, रोड तो है ही नहीं कहीं पर यार। अरे भाई साहब, फैसल भरना नहीं है गाइस, देख रहे हो क्या रोड आ रहा है यार, पूरा खतरनाक रोड है। मतलब ऑफ रोड से आगे क्या आता है, फिर ऑफ रोड के बाद कुछ और आता है, नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड गाइस। क्या मतलब क्या बताऊँ मैं, पूरा रोड ही उड़ चुका है, रोड तो है ही नहीं कहीं पे यार। देख, अब बस मैं एक ही चीज़ से डर रहा हूँ कि टायर ना फट जाए, क्योंकि वो तो पूरा उड़ चुका है, पूरा टकला है भाई। हाँ अरे यार, फैसल भाई बोल रहा है यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हुई है, क्योंकि रोड के कारण, देख रहे हो रोड है ही नहीं कहीं पे। हमने सोचा पूरा एक्सप्लोर करेंगे एंड पाकिस्तान दिखाएंगे आपको अच्छे से। तो फैसल भाई की तो माशाल्लाह इतनी लंबी टांगे है ना, 6-7 फुट का बंदा है तो बचा लेगा आराम से, इसीलिए भाई को बोला तू चढ़ जा, तू चला ले भाई। हाँ ये तो हैंडल कर पाएगा, मेरे से नहीं होगा, देख रहे हो ऊपर से इतनी बारिश यार। ये देखो गंदा, पूरा यार पूरा गंदा सीन है यार, यहाँ से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट एंट्री होगी, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे सीधा, दिखाएंगे आपको केरन सेक्टर। ये लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे हैं, तो गाइज लोग अभी ना हम लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे निकल आए। यहाँ पर आप देख सकते हो बारिश कितनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है एंड रोड वोड तो कुछ भी नहीं है, देख रहे हो हम चल रहे हैं अब ऐसे ही। फैस तुम पे ना मुझे पूरा भरोसा है, ये आप देख सकते हो लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे निकल आ गए हम। बाकी आपको दिखाएंगे अब सामने से क्या व्यू आने वाली है एंड किधर आ गए हम आज, देख रहे हो भाई साहब। यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा गांव है लास्ट में, उसके बाद पाकिस्तान मतलब बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद पाकिस्तान भाई साहब। बट यहाँ पे इतना ज़बरदस्त खूबसूरत मार्केट है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे भी, देख रहे हो। मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा बट यहाँ पे बहुत ही प्यारा है। ये हम हो गए एंटर केरन सेक्टर में। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वाइज़र ना पूरा 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 ब्लैक हो गया है, आप देख सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ वाइज़र की हालत क्या होगी है। तो अभी ना फैसल भाई हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, फाइनली गाइज ना अभी ना हम पहुंच गए केरन सेक्टर में, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ना कुछ अलग ही नज़ारा है। तो स्कूल में हम पहुंच गए, अपने सारे राइडर्स वहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारे भाई लोग ना अपने पहुंच गए। इधर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो फिलहाल हम पहुंच गए अपने केरन सेक्टर में। तो यहाँ पे ना मैच वैच चल रहा था इन लड़कों का, ये स्कूल है आप देख सकते हो, फैसल भाई उधर व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का व्यू। ये सामने आप देख सकते हो एक नाला है एंड उसके आगे आप देख सामने जो ये बिल्डिंग है ना,
ये पाकिस्तान है, बस इतना ही दूर है, बीच में यह है और उसके आगे पाकिस्तान, देख रहे हो। तो ये पार करके आप सामने बिल्कुल पाकिस्तान पहुंच जाओगे आराम से। ये बिल्डिंग जो है ना, ये पाकिस्तान की बिल्डिंग है एंड वो पाकिस्तान के लोग भी है उधर, आप देख रहे हो वर्किंग कुछ काम वाम कर रहे हैं। ये चेक करो, ये ना देख रहे हो, इसी जानकारी अपने फैसल भाई से लेते हैं ना। फर्स्ट टाइम गाइस, फर्स्ट टाइम में इधर आ गया, बट इतना मजा है ना क्या बताऊं मैं गाइस, एडवेंचर खतरनाक वाला हो गया। बाकी आप फैसल भाई थोड़ा सा वो पहाड़ी बात कर रहा था कि भाई नेक्स्ट लेवल होने वाला है आज की, आज मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाला है, मजा आने वाला है। लास्ट कसम से आपने देख ही लिया होगा, बट आगे ब्लॉग में बने रहना क्योंकि आगे ही असली मजा होने वाला है। ठीक है, अभी कहीं हो, पहले ट्राई करते हैं कुछ खाने का, सोचते हैं खाते हैं, खाने के बाद फिर ट्राई करते हैं कि कोबरा पोस्ट की साइड में जाएं। वो कहाँ है पोस्ट? इसके उस तरफ में है वो वाला एरिया। अरे इधर आना, मैं दिखाता हूँ, वो जितने टेंट्स लगे हुए ना वो सारे टूरिस्ट हैं। ठीक है, टूरिस्ट की गाड़ी देख, जैसे यहाँ हमारे यहाँ वो होती है ना लोड कैरियर, वैसे या लोड कैरियर होती है, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह होती है, सही है, वैसे वो पाकिस्तान की पावर, ये जा रही है ना पाकिस्तान की गाड़ी, ये पावरफुल गाड़ी मानी जाती है। घूम लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं, कुछ खाते हैं उसके बाद, उसके बाद देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, ओके। हम फाइनली पहुंच चुके हैं केरन में। तो ये जगह के बारे में मैं बताता हूँ, ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वहाँ पे आमिर भाई दिखाएंगे आपको, वो बिल्डिंग है पाकिस्तान, ठीक है ना। और इस ये क्या कहते हैं ना कि जब इनका आपस में मुठभेड़ होती है ना, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की आपस में इनका जंग होता है ना, हाँ जी, उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे इनका हाईवे है, वो मेन हाईवे बंद कर देते हैं। उसके बाद करते हैं हम वहाँ पे, वो पहाड़ के ऊपर रोड दिख रही है ना, यहाँ से नहीं दिख रही होगी, थोड़ी सी जूम कर रहा हूँ ना, हाँ जूम करके दिख जाएगी। तो वहाँ से ये गाड़ियाँ चलती हैं, ये वाला है, यहाँ से गाड़ियाँ प्रॉपरली बंद हो जाती है, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी यहाँ से, क्योंकि आपको पता है जंग का माहौल बहुत खतरनाक होता है। और यहाँ पे इनका सामने स्कूल है, तो जब इनका आपस में मुठभेड़ होती है तो भैया मतलब बहुत मुश्किल होता है यहाँ के लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ये चीज़। तो यही है, आगे भी हमें आपको दिखाऊंगा, अभी हम दूसरी जगह पे जाएंगे वहाँ पे दिखाऊंगा, वहाँ पे तो और ज़्यादा क्लोज है पाकिस्तान, ये क्या क्लोज है, इससे भी ज़्यादा क्लोज है पाकिस्तान, तो आगे भी जाके दिखाएंगे, वहीं पर फिर मिलते हैं जाके। से निकलते हैं थोड़ा और क्लोज, आपको क्लोज शॉट दिखाएंगे पूरे क्लोज। बाकी यहाँ के लोग ना काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे लोग मिले हमें, ये ना इस फैसल भाई को यहाँ पे सारे के सारे जानते हैं भाई, अपनी क्या फैन फॉलोइंग तेरी इतनी है ना यहाँ पे, इसको सारे जानते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भाई लोग इधर खेल रहे हैं, देख रहे हो कैसे बंदे हमारे साथ रोड के बीच में ना बुलेट लगा दी है, खुद पता नहीं निकल गया है बंदा। केरन सेक्टर की छोले भटूरे क्या बोलते हैं छोले हमें खाने को मिल रहे हैं, काफ़ी खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ पे अपने छोले मिल रहे हैं खाने को, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्यारी व्यवहार है ना, खाना वाना आ चुका है तो पहले खाते छोले वाले उसके बाद निकलते हैं आगे, बाकी बारिश ना इतनी ज़्यादा हो रही है। ये बाइकें यहाँ पे पार्क कर दी एंड ये आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ब्रिज है, यहाँ पे कुछ लोकल मिल गए, भाई ने ना एक मछली भी पकड़ी है, देख रहे हो गाइस, ये रही वादी है नीलम, नीलम बोलते हैं इसको, चेक करो ना ये क्या जबरदस्त है, देख रहे हो ये पानी का बहाव देख रहे हो कितना ज्यादा है, देख रहे हो इसमें ना कोई जा भी नहीं सकता है, देख रहे हो, अरे भाई साहब एक्सट्रीम वाली चीजें दिखाएंगे आज, तो हमें पूरा एक्सप्लोर करना है यहाँ पे। 1755 किलोमीटर है लाहौर, 740 पेशावर, 774 रावलपिंडी, 708 इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद। सामने देख सकते हो एक पार्क है, तो कुछ चल रहा है वहाँ पे, कुछ डांस वांस, ये पाकिस्तान के लोग हैं, देख रहे हो ये नाच रहा है एक बंदा है ना, हाँ देख रहे पूरा। आप कैंपिंग भी कर सकते हो, यहाँ टेंट वैली है या सामने देख सकते हो, यहाँ पे टेंट वेंट लगा सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं आराम से। बाकी ये पाकिस्तान के लोग आगे कोई नाच रहे हैं एंड कोई पार्क भी है वहाँ पे, आप देख सकते हो पाकिस्तान की लड़कियाँ भी है, देख रहे हो ये चेक करो कि ना पाकिस्तान लिखा है एंड ये यहाँ से आप व्यू देख सकते हो क्या जबरदस्त है, ये अपना इंडिया है बिलाल भाई, तो अपोजिट साइड में आप देख सकते हो, देख रहे हो ये इनको हाई कर रहा है, ये किसी की फैमिली है, चेक करो कश्मीर पाकिस्तान एंड ये इंडिया का कश्मीर, बिस्तर वगैरह मिलता है सब, सही है यार, इजीली आप लोग इसको बंद कर दें, बंद कर दें पानी चला जाएगा। इसका क्या प्राइस होता है नाइट का? 300 इसमें तो, इसको 600 600 हाय हाय सेव गाइस, हम इनको हाई कर रहे हैं यहाँ से, तो वापस रिप्लाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आ गए सेफली, पहुँच गए इधर, तो अभी यहाँ से वापस ही चलते हैं, आपको थोड़ा और दिखाते हैं फिर निकलते हैं सीधा घर ही। ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये ना अपना इंडिया है, फ्लैग है इंडिया का, तो अभी मैं थोड़ा सा चलता हूँ, थोड़ा सा चल गया एंड सामने आप देख सकते हो बिल्कुल पाकिस्तान है, ये नीलम है, नीलम इस वाली लोकेशन से हम निकल रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया केरन में, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तो अभी निकल दें, अस्सलाम वालेकुम, प्यार मिला ना मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया,
सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस सारे के सारे। चलो निकलते हैं सारे। तो यहाँ से ना फैसल भाई ने इधर ही अपनी बुलेट रखी थी पार्क करके, तो अभी फैसल भाई सब ठीक है ना? तेल के साथ छेड़ा है, ये तो होना ही था, काला है। यही होता है जब रोड पे बाइक करते हैं ना पार्क ऐसी जगहों पे, तो फिर ऐसे ही गंदे सीन हो जाए। खैर छोड़ो, अभी निकलते हैं, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हो अभी हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सो फाइनली गाइज अभी हमें छोड़ दिया इस गेट से। सारे अपने राइडर देख सकते हो आप साथ में चल रहे हैं, तो हम बहुत सारे बंदे थे ना तो छोड़ दिया, वरना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। प्रभा स्लो ही चल रहे हैं, बट यहाँ से ना करो इतने खतरनाक मिल रहे हैं ना। तो गाइज यहाँ से ना इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मेरे हाथ ना पूरे आइस आइस हो गए। तो ये रोड भी आप देख सकते हो, पूरा डिफरेंट रोड है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रोड है, बट देख रहे हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ से। यहाँ पे फ्यूल तो हमने गाइज डाल दिया था, बट फिर भी फ्यूल बहुत कम है, आप देख सकते हो लो फ्यूल है। ऑलरेडी हमने एक्स्ट्रा फ्यूल भी लाया था, वो भी डाल दिया मैंने इसमें, फिर भी क्या कम पड़ रहा है यार। इतना दूर था ना, क्या ही मैं बताऊँ। सो फाइनली गाइज ये लास्ट वाली एंट्री थी, यहाँ से हम निकल गए। अभी ना यहाँ पे एक घंटा इन्होंने खाया हमें, बट बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। एंड अभी थोड़ी सी लाइट है, आप देख सकते हो यहाँ से क्या व्यू आ रही है नीचे, देख रहे हो यहाँ से ना अब नीचे वाली लाइट आ रही है। तो मैं नीचे से आपको दिखाने वाला हूँ ये व्यू जो मैं बोल रहा था लास्ट में, मैं आपको दिखाऊँगा कि कितनी ज़बरदस्त व्यू है। ये चेक करो गाइज, देख रहे हो क्या सीन है नीचे गाइज, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त व्यू है। तो सो फाइनली गाइज अभी ना हम निकल गए हैं, मतलब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं करौलपुरा मार्केट के नज़दीकी। तो अभी यहां से आप देख सकते हो हम कितनी हाइट पे, देख रहे हो नीचे घर कहां पे हैं। तो लेट भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मस्त मस्त खाते पीते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। बाय बाय गाइज़।